Babu, for the purpose of SCCL exam and BCCL, हम कुछ आप लोगों को कोल इंडिया SCCL और BCCL से संबंधित कुछ जीके बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ऐसा मुझे उम्मीद है। और आपको सबको पता है कि हम गुगलियर दूसरा नहीं फेंकते हैं, यदि हम फेंकते हैं तो सीधा विकेट हिट करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले इस एपिसोड में हम ले रहे हैं कोल इंडिया को, ठीक है, सेकंड एपिसोड में SCCL, थर्ड एपिसोड में BCCL। सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में कुछ हम जानकारी ले जाने, हम दो तीन बात बता देते हैं। हर साल फिगर चेंज होते हैं, इंसान भी चेंज हो जाते, तो पुराने वाला मत पढ़ते रहिएगा, ठीक है, वक्त के साथ अपडेट होना होगा। लेकिन स्कूल कॉलेज में गए हैं, कहे से स्कूल कॉलेज चालू होता है, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान से चालू होता है, तो हम भी चालू करेंगे वही से, ओकरा बाद कोल इंडिया में घुसेंगे, ठीक है। नेशनल सॉन्ग जिसको हिंदी में राष्ट्रीय गीत बोलते हैं, और एक होता है नेशनल एंथम जिसको राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गान बोलते हैं, ठीक है। दोनों में बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन, सबको नहीं, कुछ बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, जो कंफ्यूजन है उनके लिए बता रहा हूं, जिनका क्लियर है ओकरा दिक्कतें नहीं है। तो नेशनल सॉन्ग क्या है, हमारे देश का, हमारे भारत देश का नेशनल सॉन्ग या राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। किसने लिखा था बेटा इस गीत को, वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है या नेशनल सॉन्ग है, किसने लिखा था, बकिम चंद चटर्जी। कोई कोई इन्हीं को बकिम चंद चट्टोपाध्याय बोलते हैं, बकिम चंद चटर्जी एंड बकिम चंद चट्टोपाध्याय इज अ सेम पर्सन, उन्होंने ही वंदे मातरम गीत लिखा था जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गान, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, दिस इज द नेशनल एंथम, आर राष्ट्रगान, आर राष्ट्रीय गान, एंड दिस एंथम इज वॉज रिटन बाय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एंड बोथ पर्सन बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल। ओके, और ये दोनों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ने, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ने हमारे देश की स्वाधीनता में बड़ा सहयोग किया। आप लोग भी इतिहास पढ़ते हैं, हम तो भूल भाल गए, ठीक है, तो ये भी पता कर लिया कि ये क्या है, जन गण मन अधिन, जन गण मन अधिनायक जय है, किसने लिखा है इसको, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रीय गीत को बकिम चंद चटर्जी या बकिम चंद चट्टोपाध्याय। अब आते हैं हमारे देश में 1774 में पहली बार रानीगंज कोलफील्ड में, वेस्ट बंगाल में, 1774 में 220 साल मोटा मोटी 200 साल पहले कोयला उत्खनन चालू हुआ, लेकिन उस समय कोयला की डिमांड नहीं था, और कोयला की जब डिमांड नहीं था तो जो कोल माइनिंग है उसका डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया से नहीं हुआ। बट 1852-1853 में जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया इंग्लैंड में, हुआ था ना जी, इंग्लैंड में ना हुआ था, जब इन्वेंशन हुआ 1952-53 में है, किसका, 1853 में जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो कोयला का डिमांड बढ़ गया। और जब कोयला का डिमांड बढ़ा तो हमारे देश में भी कोयला का उत्पादन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा, और छोटे छोटे प्राइवेट ओनर्स जो है कोयला का उत्खनन करने लगे, ठीक है। समय के साथ कुछ परिवर्तन हुआ, और जब हमारा देश 1947 को आजाद हो गया, तब 1950 और 60 के दशक में, 70, 50 और 60 के दशक में भारत सरकार ने कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों पर सोचा, और कोल की डिमांड को पूरा करने के लिए उस समय दो गवर्नमेंट कंपनियों का जन्म हुआ। 1945 से ऑलरेडी
सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड काम कर रहा था। जब आंध्र प्रदेश बना 1956 में, तब वो सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड स्टेट ओन्ड कंपनी बन गया 1956 में। ठीक है, 1956 में सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड राज्य आंध्र प्रदेश सरकार राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी बन गई 1956 में। अभी नहीं है, अभी दूसरा चीज है, बताएंगे आगे। ठीक है, वो बोल ही देता हूं, यानी तो भूल जाएंगे। तो आज जो सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड आप देखते हैं, वो तेलंगाना स्टेट, क्योंकि आंध्र का दो भाग हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पता है ना। तो तेलंगाना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, केंद्र सरकार के ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी आज के डेट में। बट इन 1956 दैट वॉज ओनली स्टेट ओन कोल कंपनी। बट नाउडेज सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड, जिसको साथ में SCCL बोलते, ACCL नहीं बेटा, SCCL सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड इज नाउ ए स्टेट ज्वाइंट वेंचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इक्विटी ऑफ तेलंगाना स्टेट इज 51%, इक्विटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 49%। ठीक है, ये ज्वाइंट वेंचर है, भारत सरकार और राज्य सरकार का ज्वाइंट वेंचर है सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड। बट इन 1956 दैट वॉज ओनली स्टेट गवर्न कोल कंपनी। इन 1956 ऑल्सो NCDC वॉज फॉर्म्ड, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी भारत सरकार का था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सरकारी प्रतिष्ठान था। उसके बावजूद भी प्राइवेट ओनर्स देश में थे, उन्होंने बहुत लचर और अवैज्ञानिक तरीकों से जब कोल का उत्खनन किया तो हमारे कामगारों का भी शोषण हो रहा था, एक्सीडेंट भी बढ़ रहे थे और कोई वो नियम कानून को पालन वालन नहीं करते थे। छोटा मोटा तो नियम कानून उस समय भी था, मत कुछ नहीं करते थे, आए गए कहे उस टाइप का चल रहा था। तब 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया और फार्मर प्राइम मिनिस्टर आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ठीक है, और उसके बाद दो फेजेस में, दो चरणों में कोल का भी नेशनलाइजेशन कर दिया। एक किया 71-72 में और दूसरा कर दिया 73 में। तो यदि कोई आपको पहले लेकिन यह पूछ रहे कि कोल का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो आप 1972 लिखेगा, 1972 फर्स्ट में 1972, बट ऑन फर्स्ट में 1972 जो कोकिंग कोल है उसका ही नेशनलाइजेशन किया था। और एक मई 1973 फर्स्ट में 1973 को नॉन कोकिंग कोल का क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब वो किसके अधीन आ गया, सब प्रकार का कोल 1973 के बाद, 1 मई 1973 के बाद, चाहे वो कोकिंग कोल हो नॉन कोकिंग कोल हो, ऑल कोल्स आर अंडर द नेशन एंड विच इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी के अकॉर्डिंगली फिर भारत सरकार को लगा, एनसीडीसी को भी खत्म कर दिया, सिंगरणी कॉलरेज कंपनी लिमिटेड अपना चलता रहा और सारे कोल माइंस को मिला करके एक कोल इंडिया लिमिटेड फार्म कर दिया, कोल इंडिया लिमिटेड। एंड कोल इंडिया लिमिटेड इज ए महारत्न कंपनी, हम कहीं लिखे होंगे यहां के CIL मीन्स कोल इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनी। CIL इज अ CPSE का कई बार फुल फॉर्म बताया बेटा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और ये CPSE का क्या हुआ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, एक ही बात होता है ये। और ये जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल,
अरे बाबू कौन है हमारा कोल मिनिस्टर जी, सेंट्रल का कोल मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल श्री प्रहलाद जोशी जी। कौन है हमारे कोयला मंत्री? कौन है कोयला मंत्री महोदय? कौन है? सम्माननीय हमारे श्री प्रहलाद जोशी जी कोयला मंत्री है, ठीक है। और उन्हीं की जो मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत हमारा कोल इंडिया आता है, कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया आता है। वैसे कभी कभी पूछ लेता है कि डीजीएमएस क्या अंदर आता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अब जो है कोल इंडिया 1 नवंबर 1975 को अस्तित्व में आ गया। कब फॉर्म हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कोल इंडिया 1 नवंबर 1975। हम लोग कोल इंडियंस हम 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। किसका स्थापना दिवस मनाते हैं? कोल इंडिया का। और हम सीसीएल में भी है, सीसीएलों का जन्म 1 नवंबर को हुआ, तो दो एक साथ मनाते हैं हम लोग, ठीक है। सीसीएल का भी 1 नवंबर को है और कोल इंडिया का भी 1 नवंबर है। 1 नवंबर 1975, 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया का जन्म हुआ। काहे जन्म हो गया? क्योंकि कोकिंग कोल का 72 में नेशनलाइजेशन कर दिया, 73 में नॉन कोकिंग कोल का भी कर दिया। मतलब 72 से 73 तक एक साल के अंदर में हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारा कोल को राष्ट्रीयकरण कर दिया। एक कोई संस्था बनाने की जरूरत पड़ी और ये जो है ये स्टेट ओन कंपनी है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है कोल इंडिया लिमिटेड। और इसमें काम करना हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े कोल कंपनी में हम काम करते हैं। और इसी कोल कंपनी में एक ऐसा भी ओपन कास्ट माइंस है जो पूरे एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है। एसीसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एक माइन है गेवरा, जिसका 52 मिलियन टन पर एनम प्रोडक्शन है। कैन यू इमेजिन, हमारे सीसीएल ने इस बार 76 मिलियन टन किया है, पूरा सीसीएल ने 76 मिलियन टन किया है। और गेवरा जो है सिंगल माइंस 52.25 मिलियन टन पर एनम करता है। एक साल में 52.25 को छोड़ भी दे तो 52 मिलियन टन पर एनम, मतलब प्रति वर्ष 52 मिलियन टन करता है गेवरा। ये कोल इंडिया के लिए भी, गेवरा के लिए भी, एसीसीएल के लिए भी सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है, सुख की बात है। लेकिन इस साल एसीसीएल प्रोडक्शन में थोड़ा पिछड़ गया और एमसीएल नंबर वन बन गया। कहीं आप लोग पेपर में या कहीं वेबसाइट में देखिएगा तो लिखेगा कि एसीसीएल जो है वो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कोल इंडिया का, तो वो चेंज हो गया बेटा। अरे हर बार तोरा ही 50 में से 50 मिलेगा कि बगल वाला भी बैठा ला एग्जाम में ओकरा भी नहीं मिलेगा? इस बार मिल गया किसको? एमसीएल को, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने 193 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है 2022-23 में। रिकॉर्ड प्रोडक्शन है आपका, 14% ग्रोथ के साथ, 14% ग्रोथ के साथ एमसीएल ने सबसे नंबर वन कंपनी का दर्जा हासिल किया। 193 मिलियन टन किया है 22-23 में, मतलब एट द एंड ऑफ 23 मार्च 2023 को। और आपका एसीसीएल कितना किया है? 167 मिलियन टन किया है 22-23 में, ठीक है। तो यदि कोई आपको ये भी पूछ ले कि कोल इंडिया की कौन सी बड़ी, सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो कौन सा बोलेंगे बेटा? एमसीएल, क्योंकि 22-23 में उसने अपना झंडा गाड़ दिया, एसीसीएल को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। यहां तक का हुआ, आगे चलते कुछ कुछ लिख देते हैं, थोड़ा सा देखने समझने में अच्छा ना लगता है। समझ आ रहा कि नहीं, थोड़ा कमेंट में बताया कीजिए।
हिट विकेट हो रहा है कि नहीं।